जिला समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक शनिवार को बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने किया तथा संचालन जिला महासचिव जवाहरलाल मौर्य ने किया। बैठक में 24 और 26 फरवरी को विधानसभा वार सेक्टर व बूथ कमेटी की बैठक की समीक्षा किया गया और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी बूथ कमेटियों को सक्रिय रहने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जवाहरलाल मौर्य, डॉक्टर मोहसिन खान, अवधेश यादव बांसगांव लोकसभा से, गठबंधन के प्रभारी दूध राम बसपा, मिर्जा कदीर बेग रामनाथ यादव दयानंद विद्रोही, श्याम देव निषाद, जफर अमीन डक्कू, रवि त्रिपाठी, फिरंगी प्रसाद, राम लखन पासवान, इनामुल्ला खान, हाजी शकील अंसारी सहित पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, माननीय प्रहलाद यादव जी कार्यक्रम में उपस्थित, जवाहर गौरव जी, बड़े भाई सुनने वाले यादव जी, वंदन करते हैं। आज एजेंडा जो रखा गया है चुनावी सब लोग यही चाहेंगे कि हमारे प्रत्याशी का चेहरा मिले। नमन करता हूं और इसी सब शब्दों के साथ धन्यवाद। ये हमारी रूटीन बैठक है, महीने में प्रथम शनिवार को समाजवादी पार्टी के हर ज़िले में मासिक बैठक होती है और महीने भर के कार्यों का उसमें लोगों से राय ली जाती है आगे क्या करना है। और ये मासिक बैठक और महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी समय है और आगामी महीने में चुनाव होना है, तो इसलिए ये बैठक एक तरह से मासिक बैठक के साथ साथ चुनावी बैठक भी है, तो इसमें हम लोग उसी पर चर्चा कर रहे हैं। कोई एजेंडा भी है जी? कोई मुख्य एजेंडा भी है? हाँ, एजेंडा गुप्त नहीं है। एजेंडा इसका जो देश में हमारे भारत के वायु सैनिकों ने जो एक इतिहास रचा है उनको धन्यवाद देने का एजेंडा है, और दूसरा एजेंडा चुनाव से संबंधित है, अपने बूथ संगठन को मजबूत करने से संबंधित है, यही एजेंडा है।